दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंच गए हैं और केजरीवाल देहरादून में रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले सीएम केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा ऐलान आज वो कर सकते हैं। खुद केजरीवाल ने अपने देवभूमि दौरे को लेकर ट्विटर पर जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि वो राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं आज करेंगे। और आइए सीधा रुक कर लेते हैं देहरादून का। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पे बने हुए हैं। अमित, किस तरीके से देखें अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को आने वाले चुनाव के मद्देनजर, बड़ी घोषणाओं की बात उन्होंने की है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही IRDT जो ऑडिटोरियम है वहां पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। आपको अब की सबसे बड़ी खबर बता दें, अंदर स्टेज जो है वो सज चुका है। अजय कोटियाल जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो अब अजय कोटियाल का जिस तरह नाम सामने आ रहा है उस पर हम उनसे बात करते हैं। विनोद जी, अजय कोटियाल का नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, कैसे देख रहे हैं आप लोग और अब आप लोगों के लिए कैसी चुनौती रहेगी कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, उत्तराखंड का जो गौरवशाली इतिहास रहा है और जो उत्तराखंड की आदि आवाजी है उसके हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में सेवा करता है, इस देश की रक्षा करता है और आज आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा प्रतिनिधि जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसे कर्नल कोठियाल जिनका सारा जीवन देश की सेवा में लगा है, सीमाओं में रहकर इस देश की उन्होंने रक्षा की है। उन्होंने यहाँ के उत्तराखंड के लगभग 10,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया। वो इस उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र जगह जगह पर कैंप लगाते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, यहाँ के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि देश की सेवा करने के लिए उनको कैसे तैयार किया जाए। ऐसे हमारे जो नेतृत्व है, आज जो हमारे दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आज उत्तराखंड आ रहे हैं। लोगों को बड़ी आशा है उनके प्रति कि आज उत्तराखंड का नेतृत्व तय होने जा रहा है। जो हमारे जो 20 साल का जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास रहा है, यहाँ हम लोग एक दो बार को छोड़ करके जनरल खनुड़ी के बाद किसी सैनिक को, किसी सैन्य अधिकारी को यहाँ पर अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाएगी, जो उत्तराखंड के शहीदों ने यहाँ का सपना देखा था कि हमारा उत्तराखंड कैसे हो। अमित, ये भी पूछिए, पहले ही सीएम कह चुके हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ये जो मुफ्त में चीजें देने की आम आदमी पार्टी की एक अपनी अलग तरह की जो राजनीति है, क्या उसके तहत भी कुछ घोषणा आज हो सकती है? देखिए, जो बात ही कह रहे, पहले 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, क्या और इस तरह की कोई योजना आप लोग प्लान कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी प्लान कर रही है या मुख्यमंत्री आज कुछ ऐसा ऐलान करेंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड से पलायन का जो मुख्य कारण है, पहाड़ का जो पर्वतीय हमारा क्षेत्र है, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम शिक्षा और स्वास्थ्य से बहुत पीछे हैं, वंचित हैं। आज उत्तराखंड में जो हमारा जो पलायन जो हम कह रहे हैं जो हमारा कारण है, इस जैसे हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, जो शिक्षा का मॉडल है, पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा की जाती है, जो हमारा स्वास्थ्य का मॉडल है दिल्ली के अंदर, उसी मॉडल को हम उत्तराखंड में चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पर लोग बहुत आशा भरी नज़र से देख रहे हैं कि जो हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, हम उत्तराखंड में भी उसको साकार करेंगे और उसको साकार करने के लिए हमारे पास योग्य तो नजर रहेगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो सीएम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।